Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video and the topic of today video is pumping schemes. Topic is pumping schemes. ठीक है, तो कौन कौन सी pumping schemes हैं आपकी. ठीक है, तो हमें पता है कि जो atoms होते हैं, देखो theoretical ज़्यादा है तो मतलब कि हम साथ के साथ स्टडी करते जाएंगे और उसके साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, समझना भी है और साथ के साथ राइट डाउन भी करना है. ठीक है, लिखेंगे हम इसमें साथ साथ. ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा, हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं वो जनरली उसके अंदर क्या होते हैं, करेक्टराइज्ड होते हैं बाय लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स. ठीक है, एनर्जी लेवल्स, और हमने अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बेस्ड पे लेजर्स पड़ी, 2 लेवल लेजर, 3 लेवल एंड 4 लेवल. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द लेवल्स 2, 3 और 4 लेवल्स जो है वो मेनली एग्जिस्ट करती हैं, हमने अभी तक इतनी की है. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली जो पंपिंग स्कीम्स है वो क्लासिफाई की जाती हैं एज 2 लेवल, 3 लेवल एंड 4 लेवल स्कीम्स. ठीक है, अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स द पंपिंग स्कीम्स. ठीक है, जो पंपिंग स्कीम्स हैं वो क्या है आपकी, आर क्लासिफाइड कौन कौन सी एज 2 लेवल, ठीक है, कोमा 3 लेवल एंड 4 लेवल. ठीक है, तो 2 लेवल, 3 लेवल और 4 लेवल की कितनी हो गई, 3 पंपिंग स्कीम्स हो गई है. ठीक है, इनमें से भी जो 2 लेवल जो पंपिंग स्कीम है वो क्या नहीं करती, लेजर एक्शन नहीं करती. या हमने पढ़ा था कि 2 लेवल लेजर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, सेमीकंडक्टर लेजर की अलग बात है, वैसे इन जनरल 2 लेवल लेजर्स अचीव, पॉपुलेशन इन्वर्जन उनमें अचीव नहीं हो पाता. तो जो ज्यादा प्रोमिनेंट है वो कौन सी आपकी, 3 और 4 लेवल पंपिंग स्कीम, 2 लेवल इतनी नहीं है. ठीक है, तो आज पहले हम 2 लेवल को स्टडी करेंगे, उसके बाद 3 लेवल और 4 लेवल. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहले 2 लेवल पंपिंग स्कीम. ठीक है, 2 लेवल पंपिंग स्कीम. तो 2 लेवल पंपिंग स्कीम का क्या मतलब है, देखो हमें पता है, अगर सीधी और सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ठीक है, हम पंपिंग करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्या अचीव करवाना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, इज टू पंप एन एक्सेस ऑफ एटम्स. पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव हो सकता है, कि जब हम पंप करें ज्यादातर एटम्स को, किसको, इन टू द हायर एनर्जी स्टेट, है ना. कैसे पंप कैसे किया जाता है, बाय अप्लाइंग एन इंटेंस रेडिएशन. मतलब पंप का क्या मतलब है, लेजर पंपिंग स्कीम पर, पंपिंग स्कीम का क्या मतलब है, कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करवाने के लिए हम एक्सेस ऑफ एटम्स को लोअर स्टेट से पंप करवाते हैं, कहां, हायर लेवल में, किसके थ्रू, बाय अप्लाइंग इंटेंस रेडिएशंस. ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, पंपिंग स्कीम कहलाती है. ठीक है, तो बेसिकली जो 2 लेवल पंपिंग स्कीम होती है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें 2 लेवल पंपिंग स्कीम की, जो कि एस्टेब्लिश्ड ही नहीं होती है, सुटेबल नहीं होती, किसके लिए, अटेन पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए. पॉपुलेशन इन्वर्जन वहां पे अचीव ही नहीं हो सकता. इसको भी हम देखेंगे क्यों नहीं हो सकता पॉपुलेशन इन्वर्जन. पहले लिखते हैं क्या, कि द पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्या होता है, कैसे अचीव किया जाता है, इज टू पंप एन एक्सेस, किसके, ऑफ एटम्स इंटू हायर एनर्जी स्टेट. कैसे, बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करते हैं हम उस पर, बाय अप्लाइंग इंटेंस रेडिएशन. है ना भाई, जब हम इंटेंस रेडिएशन की को अप्लाई करेंगे तभी क्या होंगे, एटम्स लोअर स्टेट से पंप होंगे कहां पे, हायर एक्साइटेड स्टेट्स में. ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है, 2 लेवल पंपिंग स्कीम इज नॉट सुटेबल. ये तो हमने वहां पे भी देख लिया, 2 लेवल लेजर जहां पे पड़ी वहां पे देखा था पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव ही नहीं हो रहा था, है ना. पंपिंग स्कीम इज नॉट सुटेबल किसके लिए, फॉर अटेनिंग. ये मैं लिखवा इसलिए रही हूं क्योंकि पेपर में आपको लिख के आना है. ठीक है, फॉर अटेनिंग द पॉपुलेशन इन्वर्जन. ठीक है,
अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम कंसिडरेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। वी कैन एस्टेब्लिश इट, क्यों अचीव नहीं कर पाते देखेंगे अभी। वी कैन एस्टेब्लिश दिस कैसे, बाय द फॉलोइंग कंसिडरेशन। देखो हमने कहा था टू लेवल लेजर है ना, तो टू लेवल अगर हम बनाएं, अगर इधर डायग्राम बनाएं, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है हमारी ग्राउंड लेवल है। तो जो अपर लेवल होती है ना, अगर मैंने ये बना दी, ये कोई भी एक लेवल है ना, देखो मैंने ये शार्प लेवल नहीं बनाई, मैंने क्या बनाया, एक बैंड बनाया, ठीक है, डेल्टा ई क्या है, एक बैंड, मतलब जो अपर हायर एक्साइटेड स्टेट होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होती है, वो नैरो या बैंड नैरो नहीं होती, ठीक है, क्या नहीं होती, वो नैरो नहीं होती, वो कैसे होती है, बैंड की फॉर्म में होती है, ठीक है, वहां पे क्या होती है, बैंड फॉर्मेशन होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एनर्जी लेवल्स नैरो ना होके कैसी होती है आपकी, बैंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है, ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे कि टू लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होता है, क्या कारण है, देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन, देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन है क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन है कि बिल्ड अप हो किसका, पॉपुलेशन अपर लेवल में क्या हो, एटम्स ज्यादा हो इससे लोअर लेवल में, है ना, यही बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि अपर लेवल्स में डिपोजिशन ज्यादा हो, है ना, मतलब वो एक्साइट, ये बोल सकते हो ज्यादा तेजी से क्या जाए, वो यहाँ पे पहुंचे, लेकिन डी एक्साइट उतनी तेजी से ना हो, ठीक है, मतलब अपर लेवल क्या हो, पॉपुलेटेड हो फास्टर देन इट डिकेज, है ना, डिके धीरे होना चाहिए, और जो है पॉपुलेशन जो है पहुंचनी क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, मतलब पंपिंग के थ्रू एटम्स यहां जाने ज्यादा चाहिए और डिके के थ्रू कम आने चाहिए, तभी क्या होगी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो सकती है, मतलब जो पॉपुलेशन है अपर लेवल की वो एक्सीड करनी चाहिए किससे, लोअर लेवल से, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि लाइफ टाइम, ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हम बात करें कि लाइफ टाइम इसका स्पॉन्टेनियस एमिशन का, है ना, ये तभी पॉसिबल है कि जो लाइफ टाइम हो वो क्या हो, ज्यादा हो, लाइफ टाइम ज्यादा होने का मतलब एटम्स यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा देर तक रुकेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव किया जा सकता है, अगर इसका लाइफ टाइम किसका, स्पॉन्टेनियस एमिशन का लाइफ टाइम ज्यादा हो किससे, लोअर लेवल से, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, एटम्स ज्यादा देर तक रुकेंगे। लाइफ टाइम ज्यादा होने का क्या मतलब है, इसका मतलब डेल्टा टी जो है अपर लेवल का, डेल्टा टी किसका, इस ई टू लेवल का, वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा टी है वो क्या होना चाहिए, अपर लेवल ई टू का मस्ट बी लोंगर, ठीक है। अब आपने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो पढ़ा ही होगा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एनर्जी में और टाइम में वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, या कई बार एच कट बाई टू भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पहले उसे लिख लेते हैं, फिर समझेंगे ये क्या है, क्या लिखोगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या करता है, पॉपुलेशन जो अभी बताया वही लिखते हैं, इन्वर्जन रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स करता है, ए बिल्ड अप किसका, ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसकी, इन द अपर लेवल, इन अपर लेवल, है ना, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या चाहता है कि अपर लेवल में क्या हो, जो है पॉपुलेशन ज्यादा हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली कब, इफ द अपर लेवल इज, इफ द अपर लेवल, अगर अपर लेवल क्या हो, पॉपुलेटेड फास्टर, है ना, ज्यादा ज्यादा क्या हो, फास्टर पॉपुलेटेड हो, अपर लेवल इज पॉपुलेटेड फास्टर देन इट डिकेज, देन इट डिकेज, कि डिके की रेट क्या हो, कम हो, और जो है पॉपुलेटेड की जो रेट है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो सो क्या होनी चाहिए, द पॉपुलेशन, सो द पॉपुलेशन किसकी, ऑफ द अपर लेवल, ऑफ द अपर लेवल एक्सीड्स, क्या करे, पॉपुलेशन ऑफ द अपर लेवल एक्सीड्स करे, किससे एक्सीड करे, देन दैट ऑफ द लोअर लेवल, देन दैट ऑफ लोअर लेवल, ठीक है, ये बोल सकते हैं या फिर हम, ठीक है। अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ, इट रिक्वायर्स दैट द लाइफ टाइम, इट रिक्वायर्स दैट क्या, द लाइफ टाइम, लाइफ टाइम को क्या माना हमने, डेल्टा टी किसका, एट अपर लेवल ई टू, एट अपर लेवल, कौन सी लेवल का, ई टू का, ठीक है, मस्ट बी लोंगर, वो हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी लोंगर होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, अभी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, वो क्या कहता है,
हेजनबर्ग दैट इज डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, ठीक है। अब देखो डेल्टा ई क्या है, यहाँ ये चीज समझने की है, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। ये देखो हमने पता है साइमल्टेनियसली कोई भी दोनों क्या नहीं हो सकती, एक्यूरेट नहीं हो सकती, एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, एक ही को मेजर कर सकते हैं ना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो कहता है अगर इफ क्या कह रहा है, डेल्टा टी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए तभी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो सकता है। अगर डेल्टा टी क्या होगा, हाई होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स एट दैट टाइम, उस टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए, डेल्टा ई मस्ट बी लो, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों या तो ना तो दोनों एक साथ हाई हो सकते हैं ना दोनों लो, साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं होती है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, एक हाई है तो दूसरा क्या होगा लो। तो अभी हमने देखा पीछे से कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए डेल्टा टी जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब डेल्टा टी अगर हाई हो गया तो इसका मतलब डेल्टा ई को क्या होना पड़ेगा, लो होना पड़ेगा। डेल्टा ई लो होने का क्या मतलब है, मीन्स एनर्जी, डेल्टा ई का क्या मतलब, मीन्स ई टू लेवल मस्ट बी नैरो, मस्ट बी नैरो मतलब जो हमने एक बैंड बना दिया था ना कि एक बैंड की फॉर्म में होता है, कहता बैंड नहीं होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। डेल्टा मतलब डेल्टा ई टू क्या होना चाहिए, डेल्टा ई कम होने का क्या मतलब है, ई टू लेवल जो एनर्जी लेवल है ई टू वो क्या होना चाहिए, नैरो। अब ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, लिखोगे ई टू लेवल कैन नॉट बी नैरो, नैरो नहीं हो सकता, क्यों, अगर नैरो होगा, नैरो होने का क्या मतलब है, अगर नैरो हो गया तो इसका मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, तो उसके लिए हमें जो सोर्स चाहिएगा, जो पंपिंग सोर्स है वो कैसा चाहिएगा हमें, मोनोक्रोमेटिक, हाईली मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि फिर वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, देखो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी का बैंड आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या था, इसमें फ्रीक्वेंसी का बैंड है कि एक फ्रीक्वेंसी इतनी रेंज में, जैसे 40 to 80 है ना, हम बोल सकते हैं इतनी रेंज के फोटॉन्स फॉल करवाएं, ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर नैरो हो गया ना तो एक पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब जैसे 41, 42 एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की ही फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन क्या करवा सकते हैं, हम फॉल करवा सकते हैं पंपिंग के लिए। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि जो सोर्स यूज करें वो कैसा हो, हाईली मोनोक्रोमेटिक, और जबकि नेचर में ऐसा तो है ही नहीं कोई सोर्स हाईली मोनोक्रोमेटिक हो, तो वो तो बाद में लेजर, तो बाद में लेजर भी तो हम बना रहे हैं, उसमें लेजर का तो यूज, लेजर की तो हम बात ही कर रहे हैं, तो हमें तो क्या चाहिए, हाईली मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिएगा, और वो तो है ही नहीं, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए कहा गया कि पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा ई तो मस्ट भी क्या होगा, बैंड फॉर्म, बैंड फॉर्म में ही होगा डेल्टा ई, तो मतलब डेल्टा ई की वैल्यू तो क्या रहेगी, हाई रहेगी। डेल्टा ई हाई रहेगा तो इसका मतलब डेल्टा टी हमेशा क्या रहेगा, लो, और अगर डेल्टा टी लो हो गया मतलब डीके जल्दी हो रहा है, पॉपुलेशन प्लेटेड कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन तो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये किससे एक्सप्लेन किया गया, बाई हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसके बारे में अगर थोड़ा लिखना चाहो इस इक्वेशन के बाद, ये इक्वेशन वन थी, तो इसके बारे में कैसे लिखोगे, डेल्टा ई विल बी लार्जर, ठीक है, क्या लिखे, डेल्टा टी विल बी लार्जर कब होगा, ये तो थोड़ा समझाया था, डेल्टा टी विल बी लार्जर कब लार्जर होगा, इफ डेल्टा ई टू क्या हो, डेल्टा ई टू इज स्मॉलर, डेल्टा ई टू क्या हो, स्मॉलर हो, विच इम्प्लाइज, जो क्या इम्प्लाई कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट अपर लेवल, दैट द जो हमारी अपर लेवल है E2 वो क्या होगी, मस्ट बी नैरो, है ना, इसका मतलब तो क्या हो गया, जो अपर लेवल है वो क्या होनी चाहिए, नैरो। हाउएवर जबकि, ठीक है, इफ E2 इज नैरो, E2 अगर नैरो हुई तो इसका क्या मतलब हुआ, वी हैव टू यूज ओनली क्या, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फोटोन, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फोटोन, तो इसका मतलब हमें एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का ही फोटोन क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, किसके लिए, टू पंप द एटम्स, टू पंप द एटम्स, ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक है। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस पंप जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी हाईली मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। और इन प्रैक्टिस क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, इन प्रैक्टिस हाईली मोनोक्रोमेटिक सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है,
अगर और एग्जिस्ट भी करते होंगे तो उनकी जो है एफिशिएंसी बहुत ही लो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉपुलेशन जो है कभी भी एक्सीड नहीं करेगी किसकी लेवल E2 की, तो इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए जो है टू लेवल लेजर स्कीम जो है वो कम या बोल सकते हो यूजफुली नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 3 लेवल और 4 लेवल लेजर स्कीम्स, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी 2 लेवल लेजर स्कीम, जो कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो पा रहा था। कैसे एक्सप्लेन किया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, कि या तो टाइम एक बार ज्यादा हो सकता है या फिर एनर्जी की वैल्यू डेल्टा ही ज्यादा हो सकता है। अब इसने कहा पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए तो डेल्टा टी ज्यादा होना चाहिए, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो एनर्जी लेवल्स नैरो आ जाती है, नैरो आ गई तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं रहेगा, वो चाहिए हमें, वो होता नहीं है। फिर उसके बाद करें अगर डेल्टा ई को हाई कर दें तो फिर को डेल्टा टी लो हो जाएगा, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन फिर भी अचीव नहीं होगा। तो इसका मतलब टू लेवल लेजर में क्या था, टू लेवल स्कीम में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। तो यही थी क्या टू लेवल पंपिंग स्कीम्स। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे 3 लेवल पंपिंग स्कीम एंड आफ्टर दैट द 4 लेवल पंपिंग स्कीम, ठीक है।